नमस्कार किसान भाइयों, मैं आज मेवाड़िया गांव में खड़ा हूँ। तो हमारे किसान भाई है प्रदीप जी शर्मा जी प्रदीप जी पारिक। तो उन्होंने थोड़ा किचन गार्डन में यानी घर पूर्ति के लिए बैंगन किचन गार्डन में लगा रखे हैं। तो उसमें अभी समस्या हो रही है कि ये जैसे डाली मुरझा रही है, ये इसका कारण मैं आपको डीपली बताऊंगा आज। ये और मैं और बता देता हूँ, ये देखो ये मुरझा गई। हाँ ये मुरझा गई। हाँ तो ये किस कारण से? अभी देखो बैंगन हाँ फ्रूट आने लगी है, अभी बैंगन लगता अभी इसका, ये जैसे फ्लावरिंग आई ना तो इस फूल आके इसमें से बैंगन निकलता, लेकिन बैंगन निकलने से पहले ये डाली घुड़क गई। तो इसका क्या कारण है थोड़ी सी मैं स्टोरी बताता हूँ। एक तितली आती है, तो आती है वो सिर्फ है ना इसमें उसका भोजन होता बैंगन ही, बैंगन। तो वो बैंगन तो उसकी जो लट होती है ना, जैसे आपके अभी बैंगन के यानी ये बिल्कुल सॉफ्ट है, मुलायम है, तो मुलायम डाली में वो फटाफट से घुस जाती है। तो वो अंडा तो पत्तों के नीचे देती है, तो पत्तों से वैसे जैसे ही बच्चा निकलता है ना तो वो सीधा इसमें घुसता है। तो वो घुसा कहाँ पे भी कहाँ से है वो भी सारा मैं आपको, वहाँ बैठ के ये एक डाली तोड़ ली है, वहाँ पे अपन पेड़ के नीचे बैठ के बात करते हैं। हाँ तो किसान भाइयों, मैं यहाँ आ गया, ये बैंगन की डाली तोड़ के लेके आया हूँ। अभी आपको पता नहीं इस कैमरे के माध्यम से आपको दिखेगी कि नहीं दिखेगी, जैसे अंडे से बच्चा निकलते ही ये छोटा सा छेद करके यहाँ पे घुस गई। अपने कैमरे में क्लियर आ रही है? हाँ तो अब मैं इसको यहीं से तोड़ता हूँ। ये देखो अंदर से खोखला कर रही है, ये गुफा बना रही, अंदर ही खाती जाती है और मोटी होती जाती है ये। ये देखो ये मैं हाथ पे ले लेता हूँ। ये तो बहुत बड़ी दुख की बात है यार। हाँ पता नहीं चले किसान को बीमारी कहाँ चल रही है। ये घुसी कहाँ से वो भी बता दिया मैंने। और अंदर ये देख लट, ये लट है वास्तव। ये देखो ये रखो, इस पत्ते पर रखो जो दिखेगी। ये हाथ पे कीले दिख रही है क्या आपको? दिख रही है ये? ये हाथ का इसका कलर एक ही हो गया, तो इस पर बता देता हूँ। ये देखो किसान भाई, आपके सामने लट को निकाला है मैंने। तो ये वो इस लट को बोलते हैं सूट एंड फ्रूट बोरियर, यानी फल को भी खाती है और तने को भी खाती है। अपन अभी तने से निकाला इसको, अभी फल लगा हुआ था होता ना तो मैं फल से भी निकाल कर आपको बताता। तो ये है सूट एंड फ्रूट बोरियर। तो इसका सबसे बेस्ट उपाय है, धानुका कंपनी की लार्गो आती है, डू पॉइंट कंपनी की डेलीगेट आती है, टाटा रैलीज की समिट आती है, और अभी एक्सपोनस और बर्फ एरिया नया कंटेन नई केमिस्ट्री के नए प्रोडक्ट आए हैं। तो ये BSF और PI कंपनियों के आते हैं। तो उससे आप कंट्रोल करोगे ना तो अच्छा कंट्रोल होएगा, आपको अच्छा कंट्रोल मिलेगा इस सूट एंड फ्रूट बोरियर पे। तो किसान भाइयों, अगर हमारी अब आर तक थे आज जानकारी थे ना किसान भाइयों, बढ़िया लगी तो चैनल में लाइक जरूर करो। देखो मैं बीच में मारवाड़ी सब माने ध्यान ही को नहीं लट एन लग जा बिग माइन। हां तो अब गोदरी पे पोतो मुरझा के ने माने आज जान पड़ी हो पोतो एन मुरझा रही हो। अच्छा तो थे ना जानकारी बढ़िया लगी। तो थे गांव का किसान है ना, अपना चैनल के बारे में बताओ भाई, एक चैनल बनायो डॉक्टर साहब को, वो अभी पर थे ना जानकारी मिल लिया करे। किसान ध्यान नहीं भाई, मैं रोक आई है। हां मैं एक माइन माचर की दवाई नाक रही है। अच्छा लट भाई माचर की बजी हुई है। मैं सोच रही भाई माचर लाग रही है। हाँ। अभी मैं स्प्रे पे स्प्रे करा पर लट नहीं मर रही है। लट अभी लट की माने आज जान पड़ी है। हाँ। आज ध्यान एन पड़ गई कि भाई आपने हायर कर लिया है, ठीक है, एक डॉक्टर के नाते आप बता रही हो माने। हाँ। आज मान ध्यान पड़ी भाई डॉक्टर हायर करबो क्यों जरूरत है आदमी ने, कि बीमारी एक बार में पकड़ लिया। हाँ। अगली बार स्प्रे की जरूरत नहीं पड़ी, यानी अब खोटो स्प्रे थे लेनो नहीं पड़े। कुल मिला दुकान पर थे जाओ ने तो लटको स्प्रे ले और बढ़िया स्प्रे ले, सीधी मार जावे लटके ऊपर बस। हाँ तो कभी भी या ना किसान भाइयों, एक मैंने आपके आपके लिए या चैनल भी बना रखा है यूट्यूब पे, तो वहाँ मैं आपको जानकारी देता हूँ। तो चैनल को लाइक भी कर दिया करो, आपका एक लाइक 10 किसानों को ये अपना वीडियो भेजेंगे फ्री सेवा है। तो देख देखभा कोई चार्ज नहीं। हाँ तो उस पर आपको जानकारी मिलती है, तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर। तो आप प्रदीप जी हमारे युवा किसान है, अगर आपके गांव का किसान भाइयों को अपने चैनल के बारे में बताओ। बताऊं साहब क्यों नहीं बताऊं, बिल्कुल आपका नाम बताओ भाई, नाम हो तो वीडियो। हाँ। देखो
जो थाने लड़ दी के बीमारी दी के ध्यान पड़ा। हाँ, तो भी हर फसल पे आप जिस भी खेती करते हो हर फसल का मैं वीडियो डालता हूँ, बीमारी बताता हूँ और कौन कौन से इंसेक्ट पेस्ट लगते हैं, कौन कौन घातक कीड़े कौन से हैं। जैसे बैंगन की ये सबसे यहाँ ताकतवर लट होती है, हर कोई दवाई से मरती नहीं है, तो आप ठगावे नहीं। अच्छी कंपनियों की दवा अभी मैंने जो बोली है, नाम बोला दवाइयों का, नाम वही दवाइयाँ यूज करें। स्पाइनोटायरम टेक्निकल आता है 11.7%, तो ये लट है। तो थैंक यू सो मच किसान भाइयों। राम राम सर। राम।